मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। दिल्ली की दहलीज पर किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है। दिल्ली सहित और तमाम बुद्धिजीवी लोग जिन्हें समाज की चिंता है वो भी अब इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे हैं। हमारे साथ हैं शबनम हाशमी जी, जानते हैं उनसे क्या है मिट्टी सत्याग्रह। जी शबनम जी, देखिए 12 मार्च 1930 को जिस तरह नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था और 6 अप्रैल तक उन्होंने दांडी तक यात्रा की थी साबरमती से निकल के, उसी तर्ज पे ये मिट्टी सत्याग्रह है। उस टाइम गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी और उनके जो काले कानून थे उनको तोड़ा था। ये मिट्टी सत्याग्रह जो किसानों के विरोध 3 कानून आए हैं उनको चुनौती देने के लिए, सरकार को चुनौती देने के लिए ये मिट्टी सत्याग्रह है। और इसमें पूरे देश से अलग अलग राज्यों में यात्राएं निकल रही हैं और सब जगह से मिट्टी हमारे बॉर्डर्स पे पहुंचेगी 5 और 6 तारीख को, जहां पे इस मिट्टी का इस्तेमाल करके किसानों की याद में जिनकी मौत हो गई स्मारक बनाए जाएंगे। बात की जाए मिट्टी सत्याग्रह की, तो क्या कोई कानून आप तोड़ लेंगे जैसे उस टाइम में हुआ था, या फिर सिर्फ जगह जगह से मिट्टी ला करके आप? देखिए उस टाइम गांधी जी ने कानून तोड़ा था और कानून तोड़ने के साथ साथ उन्होंने उन लोगों के दिल में जो डर बैठा हुआ था उसको भी एक चुनौती दी थी और लाखों लोग निकल के आए थे। कानून ना भी टूटे तो 3 काले कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठ रही है और जो लोगों के दिलों में डर है वो टूट रहा है। और जिस तरह से मिट्टी सत्याग्रह में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं गुजरात की रैली में भी थी, 800 गांव से पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट से मिट्टी आई है हमारे पास, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हज़ारों लाखों लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं और हज़ारों गांव से मिट्टी आ रही है। तो ये जी आपने अभी बात की शबनम जी गुजरात की, तो वहाँ जब आपको जाने नहीं दिया तो क्या रीज़न रहा, क्या वहाँ की सरकार इस डेमोक्रेसी में ऐसा कर सकती है? देखिए उमराची एक जगह है जहाँ पे हम पहुँचे, गांव है जिसमें डांडी के दौरान गांधी जी रुके थे, वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ पूरा बटालियन खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम जाने नहीं देंगे, कोरोना का बहाना बेसिकली लगा रहे थे। तो काफ़ी झकझक हुई उनसे, मतलब ये जाहिर है कि गुजरात के बारे में हम जानते ही हैं, वहाँ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, और यहाँ सीधा गृह मंत्रालय से ऑर्डर भी जाते हैं, तो वो सारी बेसिक चीज़ ये है कि आवाज़ों से डरते हैं, प्रतिरोध से डरते हैं, इसलिए उनको लगता है कि हम इस तरह डरा धमका लेंगे, लेकिन डरने वाला तो कोई है नहीं। फाइनली हम लोग गए, 3-3 के ग्रुप में गए, लेकिन हम उमराची में जहाँ पे गांधी जी ठहरे थे रात में वहाँ गए, उसके बाद पीछा करते रहे वो पुलिस और एजेंसीज, लेकिन ठीक है हम तो वो पीछा करें, डराए धमकाएं, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, उनको जो करना है वो करेंगे। हमारे साथ हैं द्वारका कलेक्टिव से माधुरी जी। माधुरी जी एक बात बताइए, तमाम आप लोग जो है किसानों का साथ देने की बात करते हो, लेकिन एसी रूम में या खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से किस तरीके से किसानों के साथ हैं आप? देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर एसी रूम में है तो उसका हम नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एसी रूम में बैठकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले भी द्वारका के लोगों ने बहुत जगह पे चाय के लंगर लगाए थे और चाय का लंगर लगाने का मतलब ही ये था कि एक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ये बताना चाहते थे कि हम पूरी तरह से द्वारका के लोग जो हैं वो किसानों के साथ हैं और उनके साथ हमारा पूर्ण समर्थन है। और जैसे आज हमारे साथ हैं मरियम जी, जानते हैं मिट्टी सत्याग्रह में उनकी संस्था किस तरीके का सहयोग कर रही है। जी हमारी जो संस्था है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वेमेंस एसोसिएशन, वो इस कार्यक्रम में सहभाग हुई है, इसका एक भाग है, क्योंकि पूरे मुल्क में जो आवाज़ उठ रही है उसमें औरतें भी बहुत बड़े पैमाने पे शामिल है, क्योंकि जो हो रहा है देश में उसका बहुत ही बुरा असर औरतों की ज़िंदगी पर हो रहा है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, ये किसान आंदोलन ले लीजिए, कामगारों का आंदोलन ले लीजिए, या सरकार की जो नीतियों का महंगाई और बेरोज़गारी और भूखमरी पे जो असर हो रहा है, ये सभी चीज़ों से और ये महामारी में औरतों की हालत बहुत ही ख़राब हुई है। मानवाधिकारों के लिए आवाज़ उठाती रही है अनंत, जानते हैं उसकी मेम्ब्रान से कि किसानों के लिए अनंत क्या करने वाली है और मिट्टी सत्याग्रह में अनद का क्या रोल है। जी शुक्रिया। अनद ने अभी तक बहुत काम किया है
जो किसानों का मुद्दा है, जो 4 महीने से किसान जो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, उस पे अनंत का एक अलग से सॉलिडारिटी रही है, उनको सहयोग टाइम टाइम पे दिया गया है, उनके हर प्रोग्राम में अनंत की सक्रिय भागीदारी रही है। और उसके साथ अभी जो मिट्टी सत्याग्रह है, उसमें जब एक जो प्लानिंग मीटिंग हुई थी, जो पहली दिल्ली के अंदर प्लानिंग मीटिंग भी हुई है, वो भी अनंत के ऑफिस में ही हुई, और इसी के थ्रू हम लोगों ने एक तरह से दिल्ली के तमाम संगठनों के साथ एक ग्रुप बनाकर हम लोगों ने दिल्ली के विभिन्न जगहों से मिट्टी का के कलेक्शन का काम किया है। कल जो 2 तारीख था, कल हम लोगों ने 10 ऐतिहासिक और प्रोमिनेंट प्लेसेस जो दिल्ली के हैं, उसमें हम लोगों ने मिट्टी कलेक्ट किया, उन सब जगहों में प्रोग्राम भी कार्यक्रम भी किया है। हमारे 3 रूट्स में जत्थे गए थे और हर जत्थे में 8-8, 10-10 लोग थे, और फिर हम लोकल वहाँ पर जितने भी लोग थे, हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया, वहाँ गाने भी गाए। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहिदा हमीद जी, जानते हैं मिट्टी सत्याग्रह और किसान आंदोलन को लेकर के उनकी क्या राय है। जी डॉक्टर साहिबा, 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं किसान दिल्ली की दहलीज पर बदस्तूर डटे हुए हैं, सरकार के कानों पर किसी भी तरीके से जू नहीं रेंग रही, आप क्या समझते हैं इसको लेकर के? देखिए, ऐसा है कि किसान जो हैं वो जमे हुए हैं, एक छोटा सी धार शुरू हुई है और अब एक लगता है कि पूरा समंदर उमंड आया है, जिसे साहिल लुधियानवी ने कहा है कि सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बेहतरे, हज़ारहा शजरे सायादार राह में हैं। तो ये सब आप लोग मीडिया वाले, ये जो एक्टिविस्ट हैं, ये सब वही सायादार दरख्त हैं जो उनको शेड दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे दिनकर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जब जनता आएगी तो फिर सिंहासन हिल जाएंगे। मैं फैज साहब की बात नहीं दोहरा रही, मैं अपने ही ज़मीन से उगे हुए रामधारी सिंह दिनकर की बात कर रही हूँ। तो अगर इस वक्त इस सुनामी को रोकने का कोई तरीका है, तो उससे एक और बड़ी सुनामी आ रही है, और वो है किसान आंदोलन। उससे मुझे तो लगता है कि अब एक तरह से टिपिंग पॉइंट है ये, अगर इस पे डटे रहे और ये मिट्टी सत्याग्रह उस पार आ गए, तो मेरे ख्याल में और इलेक्शन के रिजल्ट्स जो मंजूर खुदा है वो हों, तो फिर मेरे ख्याल में इट कैन बिकम अ गेम चेंजर। डॉक्टर साहिबा, इससे पहले एक बड़ा आंदोलन CANRC को लेकर के हुआ, उस दौरान कोरोना की एंट्री ऐसी हुई एक विलेन की तरह कि वो आंदोलन पस्त हो गया, फिर दोबारा किसान आंदोलन अपने पीक पर है, गोदी मीडिया की बात छोड़ दीजिए, और फिर कोरोना एक नए रूप में एंट्री मार रहा है, तो इसे किसान आंदोलन को लेकर के आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक तो ये तो आज जैसे आपने कहा है, ये एक पैटर्न जो है, ये पता नहीं क्या पैटर्न है कि जब मैं तो वहीं रहती हूँ उसी एरिया में, तो इसलिए मेरा तो वो समझिए मेरे घर का आंगन है शाहीन बाग, तो वहाँ एकदम से ऐसा हुआ कि उरूज पे था, उरूज कामयाबी था, और उसके बाद ऐसा उसने कोरोना ने हालात को पलटा, और जैसे आपने कहा कि अब फिर एक उरूज कामयाबी पे हम एक ख़ास थ्रेशोल्ड पे पहुँचे हैं। तो अब आप देखते हैं कि सारे मेन स्ट्रीम अखबारों की यही गुहार है कि अब तो मामला बहुत ही संगीन हो गया है, मगर यही शायर ने कहा है कि रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। तो ये जो उसकी इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई बड़ी ऐसी साजिश है, क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे चाहने वाले, मेरे अजीज़ मोहब्बत करने वाले लोग बीमार भी हैं और अल्लाह को प्यारे भी हो रहे हैं, मगर मैं ये सोच सकती हूँ कि जैसे कि अल्लाह ताला हमें बहुत बड़े एक ट्रायल में डाल रहा है, और रमज़ान में सिर्फ 10 रोज़ रह गए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि हम डटे रहें और इस मौक़िफ़ पे बिल्कुल हिले ना, तो उम्मीद ये है कि इसमें हमें यकीनन कामयाबी होगी, और वो उरूज कामयाबी जिसका तब ख्वाब देखा था, शायद वो उरूज कामयाबी अब, क्योंकि अब आज से बरसों पहले शबनम ने पेशेंट गोई की थी कि गुजरात में जब
जब गुजरात का स्टेट इलेक्शन हो रहा था उस वक्त इन्होंने 2011 में कहा था कि टेम्परिंग है, ये तो 2021 है, पूरे 10 साल पहले मेरे घर में बैठ के इन्होंने ये बात कही थी कि टेम्परिंग हो रही है, मगर अब एक आम राय है कि टेम्परिंग हो रही है। तो देखिए ना, जब तक हम लोग उस अपनी बिल को ना एसर्ट करें तो वो जनता आती है, वो कौन सी जनता आएगी कि सिंहासन खाली होगा, वो हम और आप ही आएंगे ना, यही मैं कह सकती हूँ मैं अपने तजुर्बे से। चुनावों के दौरान बीजेपी जो अपने हथकंडे अपना रही है चुनाव जीतने के लिए, उनका रिजल्ट कुछ भी निकल सकता है।